दोस्तों आज के डेट में 5 करोड़ ई श्रम कार्ड वालों के पास में पैसा आ चुका है। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि उस पैसे को कैसे चेक करें कि हमारा पैसा आया है या फिर नहीं आया है, या फिर किसी का फर्स्ट शिफ्ट में पैसा आया होगा या फिर किसी का दूसरा किस्त पैसा आ गया होगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस पैसे को कैसे चेक किया जाए कि हमारा पैसा आया है या फिर नहीं आया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा किस प्रकार से हम अपना पैसा चेक कर सकते हैं कि ई श्रम कार्ड का पैसा आया है या फिर नहीं आया है। तो हमेशा की तरह आपका छोटा भाई आपके इस चैनल पर स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। सो दोस्तों आप कैसे हो, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, आप अपना गूगल ओपन कर लीजिएगा या फिर क्रोम ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के पश्चात में यहाँ पर सर्च बार में आप सर्च कीजिएगा PF, एक मिनट हम अपना इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, PFMS, हाँ इतना सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च पर बार पर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको एक सबसे ऊपर वाली वेबसाइट मिल जाएगी, जैसे कि PFMS। यहाँ पर जैसे देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर जैसे है PFMS.NIC.IN, यही गवर्नमेंट वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात में यहाँ पर नीचे जैसे ही आएंगे, नीचे आएंगे तो आपको एक मिल जाएगा स्टेटस, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है नो योर पेमेंट्स पर इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात में आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। आप इसमें स्कॉलरशिप हो गया या फिर अपना PM जैसे कि ये ई श्रम कार्ड का हो गया या फिर कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको पेंशन मिलता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर क्या है, बैंक है, यहाँ पर दिया क्या है, नाम बैंक का नाम दिया गया है। अब दोस्तों इस बैंक के नाम में अपना बैंक का नाम डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च बाद में सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर आप भी सर्च कीजिएगा। जैसे कि आप अपने बैंक के नेम का अगला लेटर डालेंगे, जैसे कि हम डाल देते हैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, STATE, स्टेट यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेट से रिलेटेड यहाँ पर ढेर सारे बैंक आ गए हैं। तो स्टेट से रिलेटेड आप ढेर सारे बैंक आएंगे, आपका जो बैंक रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे जो है, नीचे इंटर अकाउंट नंबर, यहाँ पर क्या होगा, अकाउंट नंबर अपना डालिएगा। अकाउंट नंबर जैसे ही डालेंगे दोस्तों, यहाँ पर अपना जितना भी अकाउंट नंबर रहेगा उतना डालेंगे। फिर दोस्तों वहीं फिर यहाँ पर क्या है, इंटर कन्फर्म अकाउंट नंबर, फिर वहीं अकाउंट नंबर इसमें नीचे वाले में भी डालेंगे, ऊपर और नीचे वाले में दोनों में अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों ये कैप्चा है, इस कैप्चे को यहाँ पर नीचे फिल करेंगे, जैसे 3B FA47 यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर डालेंगे। डालने के पश्चात में नीचे दोस्तों जब आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यहाँ पर OTP आपके, जैसे कि यहाँ पर सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा तो आपका जो मोबाइल नंबर है, जैसे कि जो बैंक में आप मोबाइल नंबर ऐड करे रहेंगे उस पर OTP आएगा, एक मैसेज वहाँ पर दे दिया जाएगा कि यहाँ आपका बैलेंस जो है इस पर, मतलब कि आपके बैलेंस में पैसा आया है या फिर नहीं आया है। या फिर दोस्तों यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी स्टेटस दिखाई देगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है आपके बैंक में लिंक है या फिर नहीं लिंक है। सब कुछ यहाँ से डिटेल्स देख लेंगे और यहाँ पर अपने मोबाइल में, यदि आपका मोबाइल बैंक से लिंक रहेगा तो आपको OTP आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि नहीं आपका बैलेंस आया है या नहीं आया है, कहाँ से आपको पैसा मिला है, कहाँ से नहीं मिला है, सब कुछ यहाँ से डिटेल्स मिल जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर आकर के अपना चेक कर सकते हैं सब कुछ इस वेबसाइट के थ्रू। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे किस प्रकार से हम अपना यहाँ पर इस श्रम कार्ड का पैसा जो आया है वो चेक कर सकते हैं या फिर नहीं चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।